स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने दो तरह के, मैंने कहा था हम अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। सॉरी, पहले लेक्चर में मैंने रिव्यू दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। तो पहला मेथड मैंने पढ़ाया आपको सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब सारे स्टूडेंट को वो समझ आ गया था, मुझे रिप्लाई भी आया था बहुत सारे स्टूडेंटों का, सारे स्टूडेंट को आई थिंक अच्छे से समझ आया था। अब दूसरा मेथड है होम, और जितने क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के दिए थे आपको, बस उतने ही क्वेश्चन सफिशेंट है सेपरेबल वेरिएबल के लिए, और अगर कोई एक दो आते हैं चेंज तो आपको समझ आ गई है करने के किस तरीके से करते हैं। अब दूसरा मेथड है जो तुम्हारे सिलेबस में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो आपको समझ आ गई किस तरीके से करते हैं, लेकिन अब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके मेथड्स क्या हैं सॉल्यूशन निकालने के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या मेथड है? तो देखिए, मेथड ये है कि सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर सपोज इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, पहले हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में बनाने की। जब इस फॉर्म में बनेगी, हम उस फॉर्म को हम कहते हैं होमोजीनियस। जब होमोजीनियस की शक्ल बनेगी तब उस पर मेथड अप्लाई करेंगे। तो मान लिया मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, अब मैं मेथड का तरीका बताता हूँ कि किस स्टेप क्या है, कौन कौन से स्टेप हैं टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला स्टेप ये है कि गिवन लिखना आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, सपोज ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर इसमें पुट कर देना आपने, दूसरे स्टेप में क्या करना है, पुट करना है वाई की वैल्यू किसके, जो वाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर पुट करनी है, वी एक्स के बराबर। जब वाई को इसके बराबर पुट करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना आपको। ये इक्वेशन सेकंड है, सपोज इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा वी प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। अब सेकंड और थर्ड, सेकंड में वाई की वैल्यू ये थी और थर्ड में डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू थी। अब ये वाई और डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है आपने किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, और तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लिखेंगे एफ वाई अपॉन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे मैं, वी एक्स, तो एक्स और एक्स कट जाएगा तो एफ ऑफ वी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स, ऐसे ही एफ ऑफ वी, ये प्लस का वी आगे चला गया माइनस का वी, क्योंकि अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहा ना। तो अब ये सॉल्यूशन, ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन है किसके, होमोजीनियस के। स्टेप याद रखना, पहले स्टेप में आपने गिवन इक्वेशन जो थी वो लिखनी है, दूसरे स्टेप में पुट कर देना है वाई को इसके बराबर, जब इस इक्वेशन के बराबर पुट करोगे फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज़ आएगी उन दोनों को मिला के पुट कर देना फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से भी देखिए डी एक्स डी वी उधर चला जाएगा उसके, या ये वी वाले इधर आ जाएंगे और डी एक्स वाले उधर, तो डी वी इधर रहेगा, ये एफ वी माइनस एफ वी इसके नीचे आ जाएगा, एफ ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू, ये डी एक्स उधर चला जाएगा और ये एक्स नीचे आ जाएगा, मतलब वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब एक्स वाले एक साइड हो गए, वी वाले एक साइड हो गए, अब क्या कर देना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा सोल्यूशन होगा गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड, इसी मेथड के रिलेटेड एक क्वेश्चन करूँगा, और कुछ क्वेश्चन अब देखना, जो क्वेश्चन करूँगा उनमें मैं यही स्टेप फॉलो करूँगा, जो स्टेप मैंने बताया ये स्टेप आप दिमाग में रखें, क्या क्या स्टेप लेते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब ये स्टेप आपके दिमाग में होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन होता है होगा वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा कि कौन कौन से मेथड है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, बाकी तीन चार क्वेश्चन आपको करने हैं एज इट इज़, जैसे मैं करवाऊँगा पहला क्वेश्चन, वैसे ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम एक क्वेश्चन।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कि अब इस पे कैसे, कौन सा मेथड लगाएं। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कई बार टीचर जो होता है एग्जामिनर, वो कई बार क्वेश्चन डालने वाला एग्जाम में आपको पूछ देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो बाई उस मेथड से, मतलब नाम दे देगा आगे कि इस मेथड से सॉल्व करो। तब तो आसान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप इस मेथड से करना है तो हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। लेकिन जब डायरेक्ट हो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तब आपने इधर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे। सपोज वेरिएबल सेपरेट करोगे तो इधर देखना, वेरिएबल सेपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत आती है कि कैसे मैं एक्स के को उधर लेके जाऊँ, फिर एक्स वाई, वाई के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन हो ना, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है और कौन से पर होमोजीनियस लग सकता है। तो क्यों ना हम इसको सबसे पहले होमोजीनियस बनाने की कोशिश करें। होमोजीनियस फंक्शन मैंने बोला किस फॉर्म का होता है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म का होता है। तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट का होता है। तो वाई अपॉन एक्स, देखिए इधर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। तो इधर एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, गिवन सोल्यूशन कर रहा हूँ, सपोज सोल्यूशन में करता हूँ, गिवन ये है, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैं अगर इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड कर लूंगा। तो डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा वन, प्लस यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कट जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स, यहाँ से वाई, वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करूँगा, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख लूँगा। अब देखिए फंक्शन तो हमारा बन गया होमोजीनियस के फॉर्म का, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब जरूरी नहीं ये क्या है इतने लंबे को, नहीं वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वन प्लस टू प्लस, लेकिन आपको वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट का बनाना है। तो देखिए वाई अपॉन एक्स बन गया, अब आपको आसान हो गया, अब आप कह सकते हो कि विच इज़ अ होमोजीनियस। जब यहाँ पर पहुंचे तो आप लिख सकते हो कि विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर पहले स्टेप में क्या करते हैं, पुट करते हैं वाई की वैल्यू वी एक्स। तो मैं कर दूंगा पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, अब देखते जाएँ स्टेप फॉलो करते जाएँ। जब वाई की वैल्यू मैंने वी एक्स पुट की, तो मैंने क्या किया, कहा था कि उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इक्वेशन सपोज सेकेंड है, तो मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू इधर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएशन सारे स्टूडेंट को आती है आई होप, तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड, तो सेकंड और थर्ड मैंने फिर उसके बाद क्या बोला था कि सेकंड और थर्ड किस में पुट कर देनी है, आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस होकर मतलब कम होकर किस फॉर्म की आ जाएगी, इस फॉर्म की। देखिए जब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसमें पुट करूँगा, तो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी ये है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी जो तुम्हारी होमोजीनियस बनी, जो होमोजीनियस की फॉर्मेट का बनता है उसी को फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। तो ये होमोजीनियस बनी, ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो जब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह पर लिखूंगा मैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन का वन प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर वी एक्स, तो वी एक्स, वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वेयर। एक्स और एक्स कट जाएगा यहाँ पर भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस वी का स्केयर, ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से ये प्लस का वी जब आगे चला जाएगा माइनस का भी हो जाएगा, तो प्लस का वी और माइनस का भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस बी स्केयर, ये आपके पास बच गया। अब जब यहाँ पर बात पहुँचती है, तो फिर मैंने क्या क्या कहा था आपको कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए डी वाई वी वाले अलग कर देंगे और एक्स वाले अलग कर देंगे, जब वाई वी वाले अलग करेंगे और एक्स वाले अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यह है ना एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस बी स्केयर आया। तो अब क्या करो, आप वी वाले अलग करो और एक्स वाले अलग करो,
तो यहाँ से मैं लिखूँगा सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल वी गेट, तो सेपरेट करूँगा तो वन प्लस वी स्केयर इधर आ जाएगा डी वी के नीचे, दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन वन प्लस वी स्केयर, और ये एक्स आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड वाला था ऊपर चला जाएगा, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए वी वाले अलग हो गए और एक्स वाले अलग हो गए, तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो डी वी अपॉन वन प्लस वी स्केयर इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स, अब इंटू डी वी, सॉरी डी वी लिखा हुआ। अब देखिए अपने टेन इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आपको आती होगी, वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर के बराबर, लेकिन जब कभी इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर। अब इधर भी वही कंडीशन बन रही है, वन अपॉन वन प्लस वी स्केयर, तो एक्स स्केयर की जगह पर वी है, तो वन अपॉन वन प्लस वी स्केयर जो होता है वो टेन इनवर्स ऑफ वी बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी लॉग एक्स हो जाएगी, तो प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो टेन इनवर्स ऑफ वी जो है वो किसके बराबर आ गया, लॉग एक्स प्लस सी, तो दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स ऑफ वी। अब वी क्या था, वी की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, नहीं वी शुरू में मैंने किसके बराबर पुट किया था, मैंने बोला वाई की वैल्यू वी एक्स पुट करनी है, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो वी की जगह पर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है। एक बार मैं फिर रिप्लाई रिपीट कर देता हूँ, देखिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे हम, क्योंकि मैंने बताया वो आपको कि होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, जब होमोजीनियस बन जाएगी तो होमोजीनियस के बाद आपने पुट करना है वाई की वैल्यू वी एक्स के बराबर, जब वी एक्स के बराबर पुट करोगे तो उसके बाद कर देना है उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएट करने के बाद आपने करने हैं वेरिएबल सेपरेट, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर कर देना आपने इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा वही तुम्हारा सोल्यूशन होगा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा, और जिस चीज़ को समझ आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और जिस चीज़ को नहीं आया वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। तो आई होप सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट में इसके रिलेटेड अब आपको तीन चार क्वेश्चन एक्सरसाइज के दूंगा, वो आपको फोटो भेज दूंगा, वो आपने खुद करने हैं, बस यही तरीका है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल यही मेथड लगाओ, जिस जिसको आती है समझ तो वो भी बताना मुझे, जिसको नहीं आती वो भी बताए भाई, ये अपने आप के साथ धोखा नहीं करना, ये ना हो मैं इधर इधर करवाता रहूँ और आप ऐसे ही बस एक दिन समझो तो दूसरे दिन फिर सो जाओ तो वो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहले क्वेश्चन को वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें, जहाँ से समझ नहीं आती पास कर लिया करो, ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर लिया करो, रिपीट करके देखा करो, तो जब समझ आ जाती है तो फिर क्वेश्चन किया करो, खुद ईमानदारी से क्वेश्चन किया करो। तो आई होप सारे स्टूडेंट को समझ आएगी, मुझे लगता है यकीन है। तो उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो आप खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।